Hyundai Venue एक ऐसी SUV है जो बहुत लोगों का दिल जीत रही है, और ऐसा क्यों ना हो, उसके डिजाइन और फीचर्स हैं ही इतने अट्रैक्टिव। बहुत लोगों की डिमांड थी कि Hyundai Venue और उसके बड़े भाई Hyundai Creta का एक कंपैरिजन किया जाए। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि ये दोनों SUV सेम सेगमेंट की नहीं है, लेकिन अब व्यूअर्स की बात को टाल थोड़ी सकते हैं, इसीलिए पेश है आपके लिए वेन्यू वर्सेस क्रेटा। आज की इस डिटेल वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ इन दोनों SUVs के प्राइस, फीचर्स, लेगरूम, इंटीरियर, इंजन, डिजाइन, स्पेसिफिकेशंस, और एक एक चीज हम इसमें कवर करेंगे और इसकी बूट स्पेस भी। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप एक नई SUV लेने का सोच रहे हैं और आपके मन में ढेर सारे सवाल हैं, तो आपके इसी वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वैसे तो मैं आपके लिए ऑलरेडी वेन्यू और XUV300, ब्रेजा, टाटा नेक्सॉन और फोर्ड इकोस्पोर्ट का कंपैरिजन लेके आ चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक आपको मिल जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋषभ और आप देख रहे हैं कार न्यूज़ बाय हॉटशॉट इन्फो। अगर आप भी मेरी ही तरह लेटेस्ट कार्स की न्यूज़, ऑफर्स, टेस्ट ड्राइव से सीरीज कंपैरिजंस और वीडियोस में इंटरेस्ट रखते हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूं। इतना ही नहीं, Hyundai Venue की भी टेस्ट ड्राइव की वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी, इसीलिए चलिए अब शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। शुरुआत करते हैं इंजन से। तो आपको बता दूं कि Venue और Creta दोनों में ही आपको तीन तीन इंजन ऑप्शंस ऑफर किए जाते हैं, लेकिन ये सभी इंजन्स काफ़ी डिफरेंट है। आपको बता दूं कि Creta और Venue में जो इंजन आते हैं उनकी पावर यूनिट्स की बात और स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो वो कुछ इस तरह से हैं, और पर्सनली मुझे ये लगता है कि Venue के जो पेट्रोल इंजन हैं उनकी प्राइस काफ़ी अच्छी है। Creta का अपना ही एक फैन बेस है और अपने सेगमेंट की ये बेस्ट सेलिंग SUV भी है। पर्सनली मुझे पसंद है Venue का 1 लीटर का पेट्रोल टर्बो इंजन जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है, क्योंकि DCT में आपको सारे फीचर्स नहीं मिलते हैं। अब बात करते हैं फीचर्स की। तो Hyundai Venue आपको पता ही होगा कि इंडिया की पहली कनेक्टेड SUV है जिसमें 33 कनेक्टेड फीचर्स होंगे, जिसकी लिस्ट बहुत लंबी है। और Hyundai Creta में इस तरह के कोई भी फीचर्स आपको नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन Creta में है 17 इंच के अलॉय व्हील्स और वेंटिलेटेड सीट्स भी, जो कि Hyundai Venue में मिसिंग है। कॉमन फीचर्स की हम बात करें तो ABS+EBD, इलेक्ट्रिक सनरूफ, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, क्रूज कंट्रोल, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, 16 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ साथ कॉर्निंग लैंप्स, और ऐसे बहुत बहुत सारे आपको फीचर्स मिल जाते हैं, जिसमें शामिल हैं 6 एयरबैग्स भी और 6 स्पीकर सिस्टम भी। लेकिन Venue में कुछ इस तरह के फीचर्स हैं जो कि Creta में भी मिसिंग है, जैसे कि एयर प्योरीफायर, आर्किमिस की साउंड, साथ में आपको 8 इंच की इंफोटेनमेंट डिस्प्ले मिलती है और कूल ग्लव बॉक्स भी। ये तो थे फीचर्स, और अब बात करते हैं इंटीरियर की। तो इंटीरियर में ऑब्वियसली Creta ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा लेग रूम, शोल्डर रूम और हेड रूम के साथ साथ वेंटिलेटेड सीट्स भी मिल जाती हैं, और आपको उसमें मिल जाती हैं लेदर अपहोल्स्ट्री भी। लेकिन अगर हम Venue की बात करें तो उसमें आपको ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। और आपको एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि अपने सेगमेंट में Venue की जो हाइट है वो सबसे कम है, और विड्थ भी कुछ ठीक ठाक सी है। अब इस साइज़ और डायमेंशंस को डिटेल में समझने के लिए पेश है एक बेहतरीन चार्ट। अब बात करते हैं बूट स्पेस की। तो ऑब्वियसली Creta में आपको ज़्यादा बूट स्पेस मिल जाती है, क्योंकि उस गाड़ी की लेंथ भी तो ज़्यादा है। लेकिन Venue में कितनी बूट स्पेस मिलती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। Venue की लेग रूम और उसके साथ साथ उसकी बूट स्पेस को देखकर ये लगता है कि 330 से लेकर 330 लीटर्स तक की उसकी बूट स्पेस हो सकती है। आप क्या सोचते हैं कि कितनी बूट स्पेस ऑफर करेगी कंपनी, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दें। नेक्स्ट मेजर एस्पेक्ट आता है डिज़ाइन। ओवरऑल डिजाइनिंग की बात करें तो Creta और Venue दोनों में ही आपको बॉक्सी एलिमेंट के साथ साथ बोल्ड लुक भी दी जाती है, लेकिन मेरे हिसाब से Creta का डिज़ाइन थोड़ा सा पुराना हो गया है इफ़ वी कंपेयर इट विद द Venue। अब आप क्या सोचते हैं, आपको कौन सी SUV का डिज़ाइन अच्छा लगता है, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दें। अब आता है मेजर क्वेश्चन, प्राइजिंग। Venue की तो एस्टिमेटेड और कैलकुलेटेड प्राइजेस मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, और उसको अगर हम कंपेयर करें Hyundai Creta के साथ तो आप उसका कंपेरिजन यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन मेजर क्वेश्चन ये आता है कि क्या Venue छोड़कर Creta लेनी चाहिए या फिर Creta छोड़कर Venue लेनी चाहिए या नहीं, क्योंकि Creta का बेस मॉडल का प्राइस Venue के मिडल प्राइस जितना होगा। आपको एक और चीज़ मैं बता दूं कि ये डिपेंड करता है आप पर कि आपको क्या चीज़ बेटर लगती है, आप क्या प्रेफर करते हैं, बेहतर साइज या फिर बेहतर फीचर्स। क्या आप Creta का बेस मॉडल लेंगे जिसमें कुछ भी फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे, या फिर आप Venue का मिडल मॉडल या फिर टॉप मॉडल लेना चाहेंगे जिसमें आपको भरपूर फीचर्स मिल जाएंगे लेकिन साइज थोड़ा सा कम हो जाएगा, मुझे नीचे कमेंट करके ये भी ज़रूर बता दें।
इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बहुत जल्द मैं आपके लिए Hyundai Venue की एक डिटेल्ड वीडियो लेके आने वाला हूँ उसकी टेस्ट ड्राइव के ऊपर, तो उस वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। इतना ही नहीं, मैं आपके लिए ऑलरेडी XUV300, Vitara Brezza, Tata Nexon और Ford EcoSport के साथ Hyundai Venue का कंपैरिजन लेके आ चुका हूं, और साथ में Hyundai Venue की फर्स्ट शोरूम इमेजेस भी। तो उन सब वीडियोस को देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, क्योंकि आपको वहीं पर उनके लिंक मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या आप हमारे WhatsApp ब्रॉडकास्ट लिस्ट के मेंबर हैं? अगर नहीं है तो इस नंबर पर जल्दी से मैसेज कर दीजिए, क्योंकि मैं आपका इस नंबर पर पर्सनली एक एक सवाल का जवाब भी दूंगा। और हाँ, आपको हमारे सारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस भी यहीं पर मिल जाएंगी, इसीलिए इस नंबर पर जल्दी से मैसेज कर दीजिए। और अगर आपको जेन्युइनली ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे। चलिए अब अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।